इस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने क्यूब को सिर्फ और सिर्फ दो मूव से कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आपको कोई भी स्क्रैम्बल्ड क्यूब लेना है और आप उसे किसी भी पोजीशन से पकड़ सकते हो, इस साइड से या इस साइड से, किसी भी पोजीशन से। और आपको सिर्फ ये दो मूव्स करने हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के ग्रे कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको मूव्स बताता हूँ। तो आपको जो राइट वाली लेयर है उसे अप मूव करना है ऐसे, और जो अप वाली लेयर है उसको आपको लेफ्ट में करना है ऐसे। और आपको ये दोनों मूव्स रिपीट करते जाने हैं और आपका क्यूब खुद ही सॉल्व हो जाएगा, देखना। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप धीरे भी कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो मेरा क्यूब पूरा सॉल्व हो चुका है। तो जो भी मैंने आपको दिखाया वो कम्प्लीटली फेक था। अगर आप कोई भी कम्प्लीटली स्क्रैम्बल क्यूब लोगे और उसमें ये दो मूव्स रिपीट करोगे तो आपका क्यूब कभी भी सॉल्व नहीं होगा। ये एक ट्रिक है, जब भी आप कोई सॉल्व क्यूब लेते हो और उसमें दो मूव्स करते जाते हो तो खुद ही सॉल्व हो जाता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो मेरा क्यूब खुद ही सॉल्व हो चुका है। तो एक साइकिल है 128 मूव्स की, जिसे आप कोई भी सॉल्व क्यूब में लेते हो तो खुद ही सॉल्व हो जाता है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो कि दो मूव्स में क्यूब सॉल्व इन टू मिनट्स इन टू मूव्स, ये सारी फेक होती है। ये क्या करते हैं, आपको ये दो मूव्स करते हैं और ऐसा दिखाते हैं आपको क्यूब पूरा स्क्रैम्बल लगता है, फिर ये दो मूव्स उन्हीं को उल्टा कर देते हैं ऐसे, और फिर आप शॉक हो जाते हो कि ये सॉल्व कैसे हो गया। तो ये सारी वीडियोस फेक होती है और मैं जल्द ही क्यूब सॉल्व करने का एक ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ, तो आप उसे जरूर देखना। तब तक लिए बाय बाय।